साथ खड़ी है, भीम आर्मी के साथ खड़ी है, चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ी है। प्राचार्य जी मेरे एक सवाल है जी कि अभी अगर आप दोनों कम्युनिटी के साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन अलवर के भिवाड़ी में एक मॉब लिंचिंग हो जाती है एक दलित समाज के लड़के के साथ जिसका नाम हरीश जाटव है, लेकिन वहां पर आप कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और मॉब लिंचिंग को लेकर, लेकिन आपके और आपके समुदाय के किसी ने भी वहां कोई डेलीगेशन नहीं जाता है और ये उन समाज मतलब खासकर मुस्लिम समाज को ये एक मैसेज देने की कोशिश नहीं करता है कि दलितों पर आप अत्याचार ना करें, और स्थिति ये पैदा की गई कि उनसे केस वापस करने के लिए दबाव डाला गया जो कि एक ब्लाइंड पिता अगले दिन सुसाइड कर लेता। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप मुस्लिम जो समुदाय है वो अगर इस तरह की एक्टिविटी करता रहेगा तो कैसे दलित समाज एक हो पाएगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए इस देश में दो प्रकार की मानसिकताएं हैं पिछले 100 साल से। एक मानसिकता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की और दूसरी आरएसएस। तो जो लोग चाहे मुस्लिम समाज से हो या किसी भी समाज से हो आरएसएस की मानसिकता रखते हैं वो इस प्रकार की हरकतें करेंगे, हम उनके खिलाफ पूरी ताकत लगाएंगे। एक मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं और इसका एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुका हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस परिवार को हमारे पास भेजें, मैं स्वयं उनका मुकदमा लड़ूंगा और उन लोगों को फांसी चढ़वाऊंगा जिन लोगों ने ऐसी घिनौनी हरकत की। लेकिन आरएसएस किस तरीके से हमारे समाज के हर एक हिस्से में, उसके दो एग्जांपल मैं आपको लेटेस्ट देना चाहता हूं। एक तो आरिफ मोहम्मद खान साहब, कहने को तो वो भी मुस्लिम घर में पैदा हुए मगर उन्होंने अपना ईमान, चलिए मुझे तो बड़ी खुशी है कि मुसलमान को कम से कम ईमान बेचने का इतना बड़ा प्राइस तो मिला, तो लेकिन ये नजर आ गया साथ के वो क्लोजेट आरएसएस के आदमी थे। दूसरे अभी एक जतिन प्रसाद जी हैं जो आज पॉपुलेशन के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हैं, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में, तो वो भी आरएसएस के इस प्रकार के एजेंट अलग अलग कम्युनिटीज में भी है, अलग अलग पार्टीज में भी। तो आइडियोलॉजी दो ही है, जो हमारे साथ नहीं है बाबा साहब के साथ नहीं है, वो हमारे खिलाफ है, हम उसके दुश्मन है और वो हमारा दुश्मन। सीधी सी बात है, लाइन खींच के काम है। मेरा ख्याल है आपको जवाब मिल गया होगा। एक बार ये जो मामला है अभी का तो है नहीं, कोई नया मामला तो है नहीं, कम से कम ये 15-18 साल से मुकदमा चल रहा है। पहले भी दो बार मंदिर को तोड़ने की घटना हो चुकी है, जो कई बार इसके विरोध भी हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या हुआ है जो इतना मामला इतना गंभीर परिस्थिति में आप भी समर्थन कर रहे हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपना समर्थन अपने हिसाब से कर रही है, तो क्या ये इंतहा हो गई है और बाबा साहब के जो अम्बेडकर वादी है उनके बर्दाश्त की इंतहा हो गई है, इसलिए अब सब इकट्ठे हो रहे हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से अभी हमारे मौलाना साहब ने भी बताया और किले वाले इमाम साहब ने भी बताया कि किस प्रकार से दोहरा चरित्र सरकार इख्तियार कर रही है, एक मुकदमे में कुछ और प्रशांत साहब ने तो बिल्कुल ही साफ करके आपको समझा दिया। तो अब आरएसएस के जुल्म की इंतहा हो गई है और अम्बेडकर वादियों के बर्दाश्त की इंतहा हो गई है, इसलिए अब ये सामने आके एकदम साफ साफ तय हो जाएगा कौन किस तरफ खड़ा है, कौन संविधान के खिलाफ खड़ा है और कौन संविधान के जो बाबा साहब ने बनाया उसके पक्ष में। जी 15 तारीख का जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, कितने लोग कहां से इकट्ठा होंगे और दुगलाबाद तक कहां तक कितने लोगों की संख्या होगी, कितने लोग बता दीजिए 15 तारीख से 15 तारीख के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। हम कोई आरएसएस की तरह 1 लाख संगठन तो है नहीं हमारे, हम लोग तो दबे कुचले लोग हैं मुस्लिम समाज के, अपने आप ही इकट्ठे होंगे और आप स्वयं देखेंगे कितनी संख्या कहां से आती है। हम आपके माध्यम से हर एक मुस्लिम कम्युनिटी के हर एक ऑर्गेनाइजेशन से गुजारिश करते हैं, हर एक इंडिविजुअल से गुजारिश करते हैं, हर एक लीडर से गुजारिश करते हैं कि 15 तारीख के मार्च को ऐसा ऐतिहासिक मार्च बनाया जाए कि बाबा साहब एकदम हमें देख के आज अगर वो होते तो खुश हो जाते, ऐसा हम लोग ऐसा प्रदर्शन करना चाहते। शुरू कहां से करेंगे, हम ये इसकी डिटेल्स आपको देंगे उसके रोड के पास से ही करेंगे, कहीं से हम आपको डिटेल्स बताएंगे। अभी हम सरकार को परमिशन के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे क्योंकि हम बाबा साहब के लोग हैं, हम हर एक काम जो करते हैं वो कानून के दायरे में रहकर करते हैं, कानून के तहत। ये पराचा जी ये जो प्रोटेस्ट होगा केवल चंद्रशेखर के लिए होगा क्योंकि ज्यादातर वक्ताओं ने चंद्रशेखर की बात रखी, दलित समाज के बहुत कम नाम लिए, तो ये पूरे दलित समाज के लिए है या फिर केवल चंद्रशेखर? चंद्रशेखर दलित समाज की आवाज है, हम सभी दलित समाज के लीडरों की इज्जत करते हैं,
उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हैं, लेकिन अभी वो उस समाज की एक आवाज है जिसको दबाने के लिए सरकार ने पुलिस स्टेशन में मुकदमा लगाया, पुलिस स्टेशन में कोर्ट लगाया और उसको जेल में रखा हुआ है। उसको पुलिस स्टेशन में इतना ज्यादा मारा गया है कि आज उसकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द है, उसका इलाज तक नहीं कराया जाता। तो इसलिए अभी वो हमारा लीडर है, हमारी आवाज है वो हर एक दबे कुचले वर्ग की, इसीलिए हम अभी उसका नाम ले रहे हैं। लेकिन हम सभी दलित समाज के जितने भी लीडर हैं वो हमारे सब सम्मानीय हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, बराबर।